बता दें आज यूपी सरकार के 4 साल पूरे और सीएम आज 10:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं यूपी सरकार को, 4 वर्ष पूरे होने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे योगी आदित्यनाथ। 11 बजे विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे, लोकभवन में पुस्तिका का सीएम करेंगे विमोचन। सरकार के 4 साल के विकास के कार्यों पर यह किताब है। दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी साथ में रहेंगे मौजूद। दोपहर 12 बजे विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अवध शिल्प ग्राम में 12 बजे विकास प्रदर्शनी होगी और उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 वर्ष पूरे होने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लोकभवन में पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। सरकार के 4 साल के विकासों पर इस किताब को लिखा गया है, क्या क्या काम हुए हैं 4 साल यूपी सरकार में उसको इस पुस्तिका में लिखा गया है, जिसको आज विमोचन करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और लोकभवन में भी कार्यक्रम होगा, सीएम आज 10:30 बजे सबसे पहले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 बजे पुस्तिका का विमोचन लोकभवन में। सूबे की योगी सरकार ने अपने 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कठोर फैसले लेने वाले सीएम योगी की सरकार 4 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने पूरी तैयारी और जोरदार तरीके के साथ रखेगी। पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार जनता के सामने कामकाज का ब्यौरा रखेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक बुकलेट जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही शॉर्ट फिल्म और गाना भी लॉन्च होगा। सरकार इस कार्यक्रम को महोत्सव बनाने की तैयारी में है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता, सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवध शिल्प ग्राम में सार्वजनिक कार्यक्रम भी होगा, प्रभारी मंत्री जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी सीएम के साथ रहेंगे, सहारनपुर में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सिद्धार्थनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य, बाराबंकी में दारा सिंह चौहान, नोएडा में जय प्रताप सिंह, रामपुर में रहेंगे ब्रजेश पाठक, बरेली में श्रीकांत शर्मा, प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह, वाराणसी में आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह मुरादाबाद, सुरेश राणा अलीगढ़, वहीं भूपेंद्र चौधरी कन्नौज, उपेंद्र तिवारी महाराजगंज, राम नरेश अग्निहोत्री फतेहपुर, स्वाति सिंह सीतापुर, बुलंदशहर में रहेंगे अशोक कटारिया। यूपी गवर्नमेंट के 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री खुद अपने 4 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच लेके जाएंगे और 7 दिन तक वो तमाम जनता के बीच अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करेंगे और जगह जगह आपको दिखाएंगे। पूरे लखनऊ समेत पूरे यूपी के सभी जनपदों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, मंत्रियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आम जनता तक अपने कार्य को लेके जाएंगे। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की जुगत में है। एक तो 4 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी, तो दूसरी ओर सफल आयोजन करके पंचायत चुनाव पर भी फोकस है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी, तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और भ्रष्टाचार को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उस दिशा में हमने इतने प्रभावशाली काम किए हैं। उसके कारण अपराधियों को संरक्षण देने वाले, भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त विपक्ष की जो निराशा है वह सामने आ रही है। झूठ दमदार प्रचार बेशुमार, यही है योगी सरकार। बड़े प्रश्न चिन्ह है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जो आपने अपने रिलीज में, प्रेस रिलीज में लिखा है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, कृषि कानून किसानों की जान ले रहे हैं, 300 से अधिक किसान अपनी जान दे चुके हैं, महिला सुरक्षा के आपके दावे फेल हो चुके हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अपहरण से, लूट से, बलात्कार से थरथरा रहा है, अपराधी पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस की ठोको नीति चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे आंकड़े अच्छे हो रहे हैं। तो ये इवेंट मैनेजमेंट बंद कीजिए योगी जी, काम कीजिए। 20 मार्च को विधानसभा वार जनसभा, 21 मार्च को हर ब्लॉक में किसान कल्याण मेला,
22 मार्च को मिशन शक्ति के तहत हर विधानसभा वार सम्मेलन, 23 मार्च को मिशन रोजगार मेला हर जिला पंचायत वार्ड में होगा, 24 मार्च को मिशन श्रमिक कल्याण दिवस मनाया जाएगा। योगी सरकार अपने इन 4 सालों के कार्यकाल को प्रदेश के लिए स्वर्णिम बता रही है, तो विपक्ष इसे सिर्फ आंकड़े बाजी बता रहा है। अब ये होगा कि सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष तो आंकड़ेबाजी सरकार की बता रहा है, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव आने हैं, परिणाम के 4 साल के कार्यों के बाद सीधे तौर पर पंचायत चुनाव आएंगे और उसके परिणाम ये बताएंगे कि सरकार के 4 साल के कार्यों में कितनी सफलता उन्हें मिल रही है या फिर विपक्ष के आरोप जनता देख रही है। कैमरा पर्सन नूर आलम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।